बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो हमें कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 105 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड्स। एक स्क्वायर हॉल है, देखें कुछ ऐसा, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, एक हॉल है स्क्वायर हॉल और उसका एरिया उसने दिया है 105 मीटर स्क्वायर, और वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड्स। किसी स्क्वायर है, स्क्वायर की आपको पता है कि ऑल फोर साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो वो कह रहे आप इसकी किसी एक साइड की लेंथ लेंगे तो वो डेफिनेटली वही ऑल फोर साइड्स की लेंथ होगी। ये स्क्वायर का एरिया दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इतनी सिंपल चीज़ है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी स्क्वायर की, जो एक की लेंथ होगी वही इसकी, क्योंकि ये स्क्वायर है इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं तो ये चारों साइड्स की लेंथ होगी। तो सबसे पहले देखिए हम डाटा लिखते हैं, क्या क्या कह रहा है वो, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है 105 मीटर स्क्वायर, निकालना क्या है, फाइंड या व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ निकालनी है साइड की, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब 105 का जब हमने, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, किसी एक साइड की लेंथ आ जाएगी। स्क्वायर रूट लेने के दो मेथड, एक तो फैक्टराइजेशन के जरिए है और दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड से, तो हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास इसका डिवीजन मेथड से हम क्या निकालने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम पेयरिंग कर रहे हैं, 05 ये पेयर बन गया, 1 अकेला रह गया, आइए इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो क्या बचा सर, 0 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा 05 नीचे उतर रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, 1 का डबल क्या होता है, 2। डिवीजन मेथड बहुत इजी है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो डिवीजन मेथड से, तो वो उसमें आपको डिटेल से समझाया था कि कौन सी चीज़ को कैसे करना है, फिर भी यहाँ बताता हूँ, देखें 1 का डबल करेंगे यहाँ पे विच इज़ 2, अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली वही नंबर हम यहाँ राइट करेंगे, आइए करते हैं। देखें अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, ये बन जाएगा 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 से बड़ा हो जाएगा, हमने ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जो 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमें पॉइंट लगा के, यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये डिवीजन मेथड है तो पेयर की फॉर्म में आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ठीक है, हमने 2 पेयर ऐड कर लिए, देखते हैं अगर यहाँ तक सॉल्व होता है, ठीक है, वरना फिर इसको फर्दर लेके चलेंगे। देखें लेकिन मेरी बात सुने, जब आपने यहाँ 5 उतार लिया, अब आपको डेसिमल लगा के आगे 0 लगाने पड़े, आपने जो ही अगला नंबर उतारना है तो फिर यहाँ पे 0 लगेगा, एक नंबर से सॉल्यूशन नहीं हुआ आपका, फर्दर नहीं हो रहा, तो आपको डेफिनेटली इससे आगे भी एक नंबर ऐड करना पड़ेगा 0, ठीक हुआ। अच्छा अब देखिए, ये बन गया 10, आपने ये पेयर पूरा नीचे उतार लिया, यहाँ 10 के बाद पॉइंट लगा, अब 10 का डबल सर 20 होगा, अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली वही यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं 2 लिख दूँ ये 202 बन जाएगा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 202 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 404 बन जाएगा, 500 में से 404 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 बच गया, अब ये दोनों 0 पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया, 102 का डबल क्या होगा सर 204 होगा, अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली वही नंबर हम यहाँ पे भी राइट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखें और यहाँ भी 4 लिखें, 2044 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17, 7, 1 कैरी लेकिन आगे 0 है तो 17 पूरे का पूरा आ गया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है सर। हमने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ 5 लिखता मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ता, ये बन जाता 2045, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता तो जो नंबर आता वो 9600 से बड़ा होता, तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो इसके इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो, तो ये 8176 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0
ये 10 बन गया जब हमने यहाँ से 1 लिया, 10 में से 6 गए 4, अब ये इस 10 से 1 जब चला गया यहाँ पर 9 बन गया, 9 में से 7 गए तो 2 हो गया, 5 में से 1 गए 4 हो गया, और 9 में से 8 गए 1 आ गया, 1 4 2 4, ये हमारा इसके नीचे आंसर आ गया। आई होप ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अच्छा अब हम ये एक पेयर यहां पे और ऐड करते हैं, वन जीरो टू फोर को डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 0 2, जो नंबर यहां वही नंबर यहां, ये पूरा पेयर हमने जीरोस का नीचे उतार लिया। 1024 को डबल किया, यहां लिखा जो नंबर यहां वही ना यहां, हम यहां भी 6 लिखेंगे और यहां भी 6 राइट करेंगे, तो इस 6 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 + 3 51 15 कैरी, 6 4 24 + 5 29 9, 2 कैरी, लेकिन अगर 0 है तो ये पूरा ही आ जाएगा, फिर 6 2 12, ये बात समझ में आई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, अच्छा अब ये 3 में से 9 गए 12, अब यहाँ देखें 1 पड़ा, 11 में से 2 गए तो 9 आ गया, 3 में से 2 गए 1 आ गया, 1 9 2 8 4 हमारे पास ये रिमाइंडर आया। इससे आगे अब हम नहीं चल रहे क्योंकि ये चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, यहीं पे हम रुक जाते हैं। देखें अब मैं इसको देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 105 इक्वल्स टू 10.246 ये लिख दिया हमने। यहाँ अगर हम देखें तो हमने आंसर नॉर्मली लिखते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो यहाँ डेसिमल के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो हम इस 6 को ड्रॉप करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे 10.2, जब हमने 6 को ड्रॉप किया तो इससे पहले वाले नंबर में, क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो इस 4 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 10.25 मीटर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है, वर्ड्स की फॉर्म में है, तो आंसर भी हम स्टेटमेंट की फॉर्म लिखेंगे। सो फाइंड करना था लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ किसकी साइड, स्क्वायर की, इक्वल्स टू 10.25 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछें, और वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।